सुबह से लेकर रात तक लोगों को उमस भरी गर्मी बेहाल कर रही है। ऐसे में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शहर से लेकर गांव तक भीषण बिजली कटौती हो रही है, जिससे आम जनमानस बेहाल है। भीषण गर्मी में क्षेत्र की बिजली व्यवस्था डगमगा चुकी है। अब ये तार यहाँ पड़ा हुआ है, वहां तक इसको इस खंभे से जोड़ा जाएगा। करीब 29 तारीख का आश्वासन था, दिन बुधवार जो पिछला बीत गया, जिसके बाद अब हम लोग आज शनिवार में बात कर रहे हैं इसको, तो आज ये तार अभी इसी स्थिति में पड़ा हुआ है। ना यहाँ कोई व्यक्ति है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई विभाग का कोई परिंदा है, ना ही कोई शासन से है, ना प्रशासन से है, और ना ही 45-46 डिग्री गर्मी में आपका कोई हाल पूछने वाला है। सरकार बेसुध है, सरकार सो रही है। बलरामपुर के हम लोग आदिवासी क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश के शायद सबसे उपेक्षित इलाके में हम लोग रह रहे हैं, जिस इलाके को छोड़ दिया गया है। अरे आपको जब तार गोंडस लाना है तो उठा के हम लोगों को फेंक क्यों नहीं देते पूरे ब्लॉक को यार, गोंडम वापस नहीं रखो बलरामपुर में। ना जब ना आपसे बिजली दी जा रही, ना सुविधा दी जा रही है, इस रोड की कंप्लेंट करो तो पता चलता है पीडब्ल्यूडी गोंडा में है, बिजली कंप्लेंट करो तो मनकापुर से जब आएगी मनकापुर वालों की दया पे जीते हैं हम लोग, शिकायत करो तो बलरामपुर जाती है, आखिर कहां जाए हम लोग। 33,000 की लाइन जब कभी इसमें उठा के जोड़ी जाएगी, जब कभी आगे जाएगी तब मिलेगी। अभी एक भाई साहब से हम कह रहे थे कि बरसात में आप अपना घर रिपेयर कराना शुरू करते हैं, या उससे पहले अगर छत चू रही होती है, तो उनका भी उत्तर यही था पहले कराते हैं। आप सोचिए कि इस चिलचिलाती धूप में 44-45 डिग्री गर्मी में अंगोछा लेके पसीना पोंछने के बाद भी मजबूर है। अधिकारी तो नशे में पड़े हुए हैं, उनके घर में तो एसी चल रहा होगा, बिजली विभाग के कर्मचारी, उन्हें तो बिल भी नहीं देना पड़ रहा होगा, उनसे आता तो नशे में कोई चूर नहीं है। शायद यही हाल प्रशासन का भी है, सही हाल सत्ता का भी है। आप समझ लें कि अगर आपने एक दिन के अंदर इसको ठीक नहीं किया, ये सादुल्ला नगर क्षेत्र अचलपुर चौधरी पावर हाउस के लिए मैं इस बात को कह रहा हूं, अगर आपने इसको ठीक नहीं किया तो हम लोग इस चिलचिलाती धूप में सड़क पर बैठेंगे, और हमारा एक भी भाई अगर अस्पताल में इस गर्मी की वजह से सड़क पर बैठने की वजह से हताहत हुआ, या फिर उसको कोई दिक्कत हुई, तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी, और इस इलाके से मुकाबला करने के लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। आप लोगों 3 साल से समझाते समझाते कहते कहते आज ही जा चुके हैं, कोई नहीं सुन रहा है, नशे में चूर है अधिकारी यहाँ के, नशे में चूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको किसी की जिंदगी और मौत से। खंभा पड़ा हुआ है, देख रहे, एक बारिश आ जाए फिर कहेंगे इसमें कीचड़ हो गया है, फिर नहीं कुछ करने को तैयार होंगे। कब ये जुड़ेगा, कब यहां से लाइट आएगी, कब चालू होगी, पता नहीं कब की कहानी है। और मैं उन लोगों को साफ साफ और एक बात कह रहा हूं, जिन लोगों को नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने तक ये लगता है समस्या खत्म हो गई है, मान्यवर आप सब भी गुनहगार हैं अपनी इस हालत के लिए। शासन की ओर से कस्बा व ग्रामीण क्षेत्रों में 18-20 घंटे बिजली आपूर्ति का निर्देश है, लेकिन क्षेत्र में रोस्टर सिर्फ कागजों में चल रहा है। क्षेत्र में किसी भी समय घंटों बिजली काट दी जाती है, जिससे गर्मी में लोग बेहाल हो चुके हैं। और ये 80 हुआ है, तो ये जो मतलब 28 से किस एरिया का प्रस्ताव हुआ है भी देने का, ये पूरी तरह से करवाए हैं, क्योंकि ये देखने में लग रहा है जैसे ये जो पुराने फीडर थे उसका हाफ कैपेसिटी का है, जैसे वो पूरा अचलपुर था भैया, तो ये सब बोले हुए हैं। बाजार वाले कनेक्शन सब ग्रामीण भी हैं, खास से तो एसी भी चला रहा है, मतलब भट्टा जा रहा है मद्दोभट्टे के बाद हम लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं अचलपुर पावर हाउस पे। यहाँ भी देख लेते हैं, इस वक्त में भी 44 डिग्री टेम्परेचर भी है, हालत ख़राब हो रही है, फिर भी दिखा रहे हैं आपको। विवेक जी, आपने अभी अंदर सब चेक किया, देखा जी, ये फीडर जो 4 बनाए गए हैं उस बारे में क्या कहना, और जो भी ये व्यवस्था बनाई जा रही है, क्या इस बार वाकई में यहाँ की जो उपभोक्ता है, जो यहाँ की जनता है, उनको इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में, गर्मी नहीं भीषण गर्मी में, क्या कुछ वाकई इस बार 33 का आराम मिल पाएगा, यानी ये नई लाइन शुरू हो पाएगी, फिर से एक बार ये सीजन जाएगा और आश्वासन पे ही यहाँ के लोग रहेंगे। अब गर्मी भीषण की मर्यादा पार कर चुकी है, गर्मी जानलेवा हो चुकी है, भीषण पहले हुआ करती थी, इस साल जानलेवा है।
अगर कोई आदमी शायद दिन के 2 बजे तक पानी ना पिए तो शाम के 5 बजे तक उसके मृत्यु के उपरांत व्यवस्था होने लगेगी। इस गर्मी में मैं कहता हूं कि आप अगर हमारा अधिकार नहीं दे सकते हैं तो ना दीजिए, तरस तो खाइए कम से कम। 18 घंटे आप कहते हैं, 8 ही घंटे दे दीजिए। मैं आप लोगों से खुल के कह रहा हूं कि जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, आप जिस भी प्रांत में हो, जिस भी प्रदेश में हो, जिस भी जनपद में हो, आप ये जान लें कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के उतरौला तहसील के रहरा ब्लॉक के बिजली की व्यवस्था इतनी बुरी है, इतनी बर्बाद है कि हम लोग को 1-1 मिनट लाइट मिली है, 1 मिनट आई, 2 मिनट नहीं आई, 2 मिनट आई, 1 मिनट नहीं आई। किसी तरीके से वो सही हुआ, पूरे दिन में शायद 5-6 घंटा हम लोग लाइट पाते हैं, वो भी बटोर के, जैसे घर में झाड़ू लगाया जाता, सारी रोस्टिंग किया। अभी तो 2 घंटे की रोस्टिंग कर दी गई है, रात में छोटे छोटे बच्चों के किलकिलाने की आवाज, रोने की आवाज अक्सर आती है। कुछ नहीं जी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई ये कह दे कि किसी बड़े बिजनेसमैन के घर पैदा होना सौभाग्य है, तो अब यहाँ का आदमी कह सकता है कि इस ब्लॉक में पैदा होना दुर्भाग्य है। दूसरी चीज, आपने पूछा फीडर के बारे में, हम अभी जब अंदर फीडर देख रहे थे तो जो कैपेसिटी है उससे 1/3 कैपेसिटी का 2 फीडर और लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि जिसको आप ये समझ रहे हैं कि अब 2 के 4 फीडर हो गए तो उन्हीं दोनों के बराबर 2 और लग गए, नहीं, उसकी 1/3 कैपेसिटी का लगाया गया और किसी एक एरिया को उन्होंने उससे कनेक्ट किया है। कितना सुख कितना मिल रहा है हम नहीं जानते अभी उसमें, क्योंकि कटौती जब उसका लोड जैसे 221 का था कुछ, उस पर 77 का और जोड़ा गया, तो जब उसका लोड कभी नहीं हुआ तो क्या मतलब है इसका। अब एक ही चीज आखिरी आशा हम लोग की बची है कि जो मद्दो भट्टा पे भी दिखाया गया है 33 की लाइन पड़ी हुई है, वो लाइन हमारी लौट के आके इसमें जुड़ जाए तो हम ये मानेंगे कुछ सही हुआ। और मैं ये आपको बता दूं, वहां भी हमने कहा था, यहां भी हम कह रहे हैं कि जैसे पिछली बार 45 गांव की यात्रा करके 8,400 दस्तखत करा के उसकी छाया प्रति निकलवा के प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर माननीय सांसद जी माननीय विधायक जी, सारे अधिकारियों को, MD MBBNL को, SDO को, उतरौला SDO, रहरा SDO, दोनों SDO को, AC को, XCN को, चीफ इंजीनियर को, मंडलायुक्त को, बलरामपुर के जिलाधिकारी महोदय को, गोंडा जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया था। उसी प्रकार एक बार फिर पत्राचार होगा, लेकिन ये पत्राचार सड़क पर बैठने से पहले नहीं होगा। इसी इतनी गर्मी में हम लोग समूह में आकर सड़क पर बैठने को एकदम तैयार और तत्पर हैं। आप ये समझ लीजिए कि आप अगर 2 से 3 दिवस के अंदर काम खत्म नहीं करा रहे हैं और हम लोग को 12 घंटे ही लाइट दे दे रहे हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपके 18 घंटे करने की प्रतीक्षा कर लेंगे। लेकिन अगर लाइट हमारी 12 घंटे 10 घंटे से कम मिलेगी हमको तो हमें सड़क पर बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इस बात को पूरे आश्वासन के साथ आपसे कह रहा हूं कि आपका आश्वासन फीका पड़ सकता है, हमारा फीका नहीं पड़ेगा, इसको बिल्कुल आप समझ लीजिए। तो ये थे विवेक श्रीवास्तव। इस जानलेवा गर्मी में देख ही रहे हैं यहाँ क्या हालत है, हम भी अपना पसीना पोछ पोछ के ही आपको खबरें दिखा रहे हैं। हालात वाकई में बहुत खराब चल रहे हैं, जानलेवा गर्मी है वाकई में। और हम लोगों ने ग्रामीण अंचल में जा जा के भी देखा है जिस अवस्था में लोग जी रहे हैं, बड़ी ही दयनीय स्थिति है। अगर ये बिजली विभाग ने इनके ऊपर तरस नहीं खाया तो वाकई में इस बार सुनने में ये आएगा कि इसी क्षेत्र से न जाने कितने वृद्धों की, न जाने कितने वयस्कों की और न जाने कितने बच्चों की मृत्यु हुई है। इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए कमर सिद्दीकी।